का करते हैं। अगली बड़ी खबर जो है वो श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका में जिस तरीके से हालात हर नए दिन के साथ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच कोलंबो में राष्ट्रपति के देश छोड़ने पर प्रदर्शनकारी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद की दो बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया है, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के घर और दफ्तर पर भी कब्जा कर लिया है। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का विरोध जताया जा रहा है। सर्वदलीय बैठक में गुंडपाया से पहले विक्रमसिंघे के इस्तीफे की भी मांग की गई थी और तस्वीरें हम आपको कल से दिखा रखी हैं कि लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, घेराव किया और ये चार तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रखे हैं जहां पे भारी विरोध प्रदर्शन लोगों का और इसके साथ ही गुस्सा यहां पे फूटा है। आर्थिक तंगी और जिन जरूरी चीजों को लेकर अकाल है वहां पर, ऐसे में लोगों का गुस्सा फूटा है इन तमाम नेताओं पर। प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया गया है। पूरी तरह से आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ दिए गए हैं। श्रीलंका में संग्राम, सड़क पर कोहराम। राष्ट्रपति फरार, पीएम हाउस पर प्रहार। श्रीलंका में विरोध की आग चरम पर है, जिसे खुद श्रीलंका की सेना काबू नहीं कर पा रही है। अब तक जिस जनता ने सिर्फ राष्ट्रपति आवास पर अपना कब्जा जमाया था, उसने बुधवार को प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया और अब संसद घेरने की तैयारी है। प्रदर्शनकारियों ने जब पीएम दफ्तर पर कब्जे के लिए अंदर घुसना शुरू किया तो सेना ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, मगर लोग तो जैसे श्रीलंकाई पीएम कार्यालय को अपने कब्जे में लेने के इरादे से ही आए थे। प्रदर्शनकारियों ने यहां कब्जा कर श्रीलंका का झंडा फहरा दिया। इतना ही नहीं, भारी विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और प्रदर्शनकारी ऑन एयर प्रोग्राम के बीच में अपनी बात रखने लगे। हालत ऐसी हो गई कि चैनल को ऑफ एयर कर उनका ब्रॉडकास्ट रोकना पड़ा। यह कोई संघर्ष नहीं है जो नफरत फैलाता है, यह शांतिपूर्ण संघर्ष है। पूरी दुनिया को इसे शांतिपूर्ण विरोध के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, देश में ईंधन नहीं है। भीड़ के ऐसे प्रदर्शनों ने श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा होने के बाद अब संसद पर भीड़ के कब्जे की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में बुधवार को कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सभी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ ही आवाजें उठने लगी। पार्टियों ने मांग की कि गोटबाया से पहले रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दें। बुधवार को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति और पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनने की सूचना दी जो सरकार और विपक्ष दोनों को ही मंजूर हो। उधर प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कहा कि ये सत्ता हथियाने का प्रयास था। हम राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए कदम उठा रहे हैं, बावजूद इसके कुछ समूहों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर धावा बोलने की योजना बनाई। वायुसेना कमांडर के घर को घेर लिया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को मालदीव जाने के लिए हवाई जहाज दिया था। सेना कमांडर और नौसेना कमांडर के घर को भी घेरा गया। ये सत्ता हथियाने का प्रयास था। मैं विरोध करने वाले निहत्थे लोगों पर इन हमलों की न केवल कड़ी निंदा करता हूं, बल्कि जनशक्ति से इसे हराने का संकल्प लेता हूं। हम युवाओं से अपील करते हैं कि अगले राष्ट्रपति के चुने जाने तक शांति बनाए के लिए तीन सशस्त्र बलों और श्रीलंका पुलिस की सहायता करें। पहले राष्ट्रपति भवन और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा और अब श्रीलंका की संसद तक जाने के प्रदर्शनकारियों की तैयारी खुद श्रीलंका के हालात की गवाही दे रही है। ऐसे में आने वाला समय श्रीलंका के लिए कैसा होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।